हाँ तो इंडिया वालों, आप तुम लोगों को क्या कहना है हमारी टीम के लिए? देखा हम लोग भी पहुंच गए ना सेमीफाइनल में। आप तुम लोगों के साथ हमारा फाइनल होगा, फिर आएगा मजा तुम लोगों की टीम के पहले का। हाँ भाई, मैंने सुना कि तुम लोगों ने बांग्लादेश की टीम को बहुत गंदा पहला और अपनी सेमीफाइनल में जगह बना ली, मगर तुम लोग टेंशन मत लो, अभी तो आगे T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत मैचेस खेलने हैं। हाँ धोनी भाई, मैच तो बहुत सारे खेले हैं, लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप तो हम लोग ही जीतेंगे। आप देखना हमारी टीम आपकी टीम पर कैसे भूखे शेर की तरह टूट पड़ेगी और आप लोगों को सेमीफाइनल से बाहर फेंक देगी। अबे वो बिना छिलके के केले, ये धमकी दोबारा हम लोगों को मत देना, नहीं तो यहाँ पर ही पटक कर ठोक दूंगा। अभी तुम लोग सिर्फ सेमीफाइनल में ही पहुँचे हो, जब तुम लोग हम लोगों से मैच जीत जाओगे तब की तब देखी जाएगी, मगर फाइनल में तुम लोग तो हम लोगों के सामने टिक भी नहीं पाओगे। रोहित भाई चुप करो यार, इन चुरकेजों के सामने आप क्या बातें कर रहे हो? ये अभी दूध पीते बच्चे हैं, जब इनकी ठुकाई करो तो ये बहुत जल्द रोने शुरू हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा सिर पे चढ़ा दो तो फिर ये आगे से उबासियां मारने आ जाते हैं। अबे ससुरी के चीकू, अब रिजवान देखो कैसे T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर आता है और तुम्हारे सूर्या को पीछे पिछाड़ता है। बस बहुत हो गया निबारी बी का खेल, अब तो मैं ग्राउंड में अपनी बैटिंग से जलवा दिखाऊंगा जलवा, और तुम इंडिया वालों की पतलून आगे से गीली और पीछे से पीली कर दूंगा। ससुरी के रिजवान, नंबर 1 पर तू तभी जाएगा जब तू अच्छे से बैटिंग कर पाएगा। तेरी फॉर्म तो बिल्कुल आज के लुल है बे, 20-25 रन बनाकर आउट हो जाता है। और मुझे ही देख ले, किसी भी टीम के खिलाफ मैच खेलता हूँ तो 50 ठोक देता हूँ। जनाब अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपका मैच हम लोगों के साथ होना चाहिए, फिर देखना मैं आपकी किलियां कैसे हवा में उड़ाता हूँ और आपको T20 रैंकिंग से नीचे गिराता हूँ।